आदेश बाबा। आदेश बाबा, भाइयों सबसे पहले आपको राम राम। और बाबा सुखदेव नाथ जी के पास बैठे हैं और सुखदेव नाथ जी से कुछ ज्ञान प्राप्त कराएं। बाबा जी कोई वाणी सुनाओ। देखिए जी, वाणियाँ सभी सुनी सुनाई है, लेकिन उनमें क्या होता है, इतने गूढ़ रहस्य होते हैं, पता नहीं चलता हमें। तो मैं आपको एक गोरखनाथ जी की वाणी सुनाता हूँ, और उसमें इतना शरीर का गहरा वर्णन है कि बहुत ही जो हमको अंतर तक लेके जाता है। वह चाहिए बाबा। हाँ जी। गोरख से योगी सिद्ध नाथ पुकारे, गोरख से योगी सिद्ध नाथ पुकारे, मूल मत हारो हर का प्यारा जी हो, मूल मत हारो हर का प्यारा जी हो, गोरख से योगी सिद्ध नाथ पुकारे, गोरख से योगी सिद्ध नाथ पुकारे, मूल मत हारो हर का प्यारा जी हो, मूल मत हारो मेरा प्यारा जी। ग्यारस भी सुनी रे अवधु मावस भी सुनी, ग्यारस भी सुनी रे अवधु मावस भी सुनी, सुने ये सातों बारा जी हो, सुने ये सातों बारा जी, पंडित सुना वेद पढ़ता पंडित सुना, सुना यो दस माँ द्वारा जी हो, सुना यो दस माँ द्वारा जी हो, गोरख से योगी सिद्ध नाथ पुकारे, गोरख से योगी सिद्ध बाबा नाथ जी, खोली बिना तो देश गाव है। हाँ जी, देखिए जी, गुरु महाराज गोरखनाथ जी क्या कहते हैं कि गोरख योगी सिद्ध नाथ उतारे। इस नाथ संप्रदाय को पहले सिद्ध संप्रदाय कहा जाता था, तो इसमें सिद्ध का बहुत महत्व है। तो कहा मूल मत हारो मेरा प्यारा जी, मूल भाई हमारा मूल क्या है, हमारा मूल है अगम की प्राप्ति, अलख की प्राप्ति, साधु का। तो कहते हैं ग्यारस भी सुननी रहे धूमावस भी सुननी, कर्मकांड पर सीधा प्रहार करते थे गोरखनाथ जी, कर्मकांड को नहीं मानते थे। तो अच्छा, कहते हैं कि ग्यारस भी सुननी और धूमावस भी सुननी, सुनने सातों बारा जी, सातों बार भूखा मर ले, भूखे मरने से भगवान नहीं है। वेद पढ़ता पंडित सुनना, अगर उसके फल अगर उसका अर्थ नहीं समझा तो पढ़ तो पता नहीं कितने हो गए जालिए। वेद पढ़ता पंडित सुनना जी, और सुनना यो दसमा द्वारा जी। क्यों, ध्यान क्रिया करी नहीं, एकला पढ़ी गया तो श्रुति की जागी, जो दसमा द्वारा सुनना रह गया खत्म सब। यो मतलब था वेद पढ़ता पंडित सुनना, कई कहते हैं वेद पढ़े भी नहीं वेद पढ़ता भी। इसलिए गोरखनाथ जी दूसरी वाणी में कहा है एक में कि कथनी कथे तो शिष हमारा, वेद पढ़े सो नाती, कथनी कहने वाला तो हमसे नीचे है लेकिन वेद तो पढ़े है वो भी हमारा नाती है। अमृता रहता हमारे गुरु बोलिए अमृता के साथी, हम तो रहनी में जो रहता है ना सच्ची में, हम तो उसके साथी हैं। क्या बात है बाबा जी, गुरु महाराज जी कहते हैं। आगे बताया गुरु महाराज जी ने कि भाई कहाँ शरीर में क्या वासा है, एर कुण से कंवल मरे अवधु सांस में सांसा, कुण से कंवल मरे अवधु सांस में सांसा, कुण से कंवल में जीव का वासा जी हो, कुण से कंवल में जीव का वासा जी, कुण से कंवल मेरे अवधु
जोगण फेटी कौन से कावल मरे अवधू जोगण फेटी किसने यो चाया घरे वासा जी हो किसने यो चाया घरे वासा जी हो गोरख से योगी सिद्ध नाथ पुकारे गोरख से योगी सिद्ध नाथ पुकारे मूल मत हारो मेरा प्यारा जी। एक गोरखनाथ जी क्या कहते हैं, अग भाई कमल इस शरीर में मुख्य छह चक्कर गोरख योग में बताए, उनके अलावा एक ललना चक्र का वर्णन करते हैं, फिर आठवें अज्ञा चक्र, तो मेन चक्र जो गौण चक्रों को छोड़े छह हैं। तो गोरखनाथ जी कहते हैं कौन सा चक्र है जिसमें सांस, अब हम गाते हैं कई लोगों ने सुंडी का जोर लगा नाभि का, तो सांस का संबंध सीधा नाभि नाभि से है। तो कहा कि नाभ कमल में अवधू अगली वाणी में आएगा, अगली जो कली उसमें, तो सबसे पहले पूछते हैं गुरु शिष्य से पूछता है कि कौन से कवल में अवधू सासम सासा और कौन से कवल में जीव का वासा जी, कौन से कवल में अवधू जोगण फेटी, जोगण स्त्री यानी जोगण कौन सी, शरीर में नाड़ियां कौन है जिनके आधार पर जोग चलता है, और फिर गर्भवासा मतलब एक जगह परमात्मा के ध्यान में स्थिर कौन सी नाड़ी में जाके हुआ जगह। तो गोरखनाथ जी अगली कली बताते हैं। अच्छा, योगिनी इन नाड़ियों को कहते हैं, नाड़ियों का जो जहां से योग चलता है। हाँ जी, योग भी एक प्रकार से क्रिया है जो शरीर के शुरुआत में बाहरी और फिर आंतरिक होती है, इसलिए योग को बहिरंग और अंतरंग दो प्रकार से डिफाइन किया गया, धारणा ध्यान समाधि अंतरंग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहारी बहिरंग, प्रत्याहार को कई लोग दोनों में भी गणना करते। तो कहा फिर नाभ कवल मरे अवधू सांस में सांसा, नाभ कवल मरे अवधू सांस में सांसा, फिर दे कवल में जीव का वासा जी हो, हृदय कमल में जीव का वासा जी, ईड़ारे पेंगला दो जोगण फेटी, ईड़ारे पेंगला दो जोगण फेटी, सुख मन चाया घरे वासा जी हो, सुख मन चाया घरे वासा जी, गोरख से योगी सिद्ध नाथ पुकारे, गोरख से योगी सिद्ध नाथ पुकारे, मूल मत हारो हर का प्यारा जी। बताया कि भाई नाभ कमल में अवधू श्वासम श्वासा, एक विपासना की विधि थी महात्मा बुद्ध की, आज भी करवाते विपासना केंद्र में, वो लोग क्या कहते हैं सांस को अंदर तक लेके जाओ, बिल्कुल जितना गहरा सांस जाएगा, ये प्राणायाम का आधार ही है कि उतना ही सूक्ष्म होता जाएगा शरीर। तो गोरखनाथ जी कहते नाभ कमल में अवधू श्वासम श्वासा, सांस आएगा तो नाभ कमल का तक संबंध नाभि में है, नाभि में सारा नाभि से नाड़ियां शुरू है, पहला केंद्र नाभि है सबसे, और हृदय कमल में जीव का वासा जी, जीव कहाँ से शुरू होता है, हृदय कमल में जीव, और ईड़ा और पेंगला दो जोगण फेटी, भाई हम प्राणायाम करते हैं शुरुआत होती है नाड़ी शुद्धि से, तो ये अब तो इसको अनुलोम विलोम कहने लग गए, लेकिन आप पढ़ोगे तो सूर्य बेदी और चंद्र बेदी, सूर्य नाड़ी ईला पिंगला और ईड़ा, ये दो है सूर्य और चंद्र नाड़ी, ईड़ा और पिंगला नाड़ी, तो इनसे हम लोग शुरुआत करते हैं तो नाड़ी शोधन होता है शरीर का, और उसके बाद योगी का लक्ष्य होता है कि सुषुम्ना स्थल में इसको श्वास को स्थिर कर ले, वहां पर स्थिर हो गया तो मतलब उपराज्ञा चक्र खुल गया, सब कुछ चलता जाएगा। तो गोरखनाथ जी ने वाणी के माध्यम से बताया कि भाई ईड़ा और पिंगला दो जोगण फेटी, शुरुआत योग की यहाँ, अर्घर वासा का दो वाजे दे मुक्ति, जब आज्ञा चक्कर में जालेगा पूरा ललना चक्कर पार करके फिर अपना सहस्त्रार में पहुंच जाएगा दसवें द्वारा में, इसका वर्णन कर
फिर आगे बताया कि भाई सासों की क्रिया, सासों का महत्व, क्यों श्वास से योग चलता है। क्या कहे गुरु महाराज ने, बैठते बारा रे अवधु चालते ठारा, बैठते बारा रे अवधु चालते ठारा, सोवते डाबे तिसाजी हो, सोवते डाबे तिसाजी, मथन करण ते ये तो सट टूटे, मथुन करण ते ये तो सट टूटे, कैसे भजोगे जग साजी, गोरख से योगी सध नाथ पुकारे, गोरख से योगी नाथ पुकारे, मूल मत हारो मेरा प्यारा जी। अब गोरखनाथ जी क्या कहते हैं, भाई प्राणायाम में सांस की क्रिया का मैं तो बताया, जित व्यक्ति ने नुकारी सांस गिनती के मिले जन्म नॉर्मल कहा जाता है, तो प्राणायाम की क्रिया के करा सांसों को सूक्ष्म कर देगी तो एक मिनट में कम सांस आओगे। तो गोरखनाथ जी सांसों का जिक्र करते हैं, बैठे होते हो ना, कई लोग कहते बैठ के ध्यान करना चाहिए, चलते चलते नहीं, क्यों, बैठ के 12 सांस आते हैं मिनट में, चलते हुए 18, और सोवे है तो इतनी, कई लोगों को लगता हम भाई आहिस्ता आहिस्ता कर ला रहे, नहीं, लेकिन वह ऊर्जा सांसा की 32 जितनी खर्च होती है। और जब व्यक्ति सांसारिक संयोग करता है ना, इंटरकोर्स कह दिया हाँ भाई, कोई भी मैथुन कह दिया स्त्री पुरुष संयोग, उसके दौरान 64 सांस, इतनी सांसों की गति इतनी ज्यादा होती है, 64 सांस एक मिनट में चले जाते हैं, वो खर्च हो गए, खर्च हो गए। तो इसलिए गोरखनाथ जी कहते हैं कि भाई ब्रह्मचर्य का भी पालन करो और श्रुति लगाओ तो सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के लगाओ। ब्रह्म मुहूर्त में क्या है कि हमारा ध्यान जल्दी केंद्रित होगा और ऑक्सीजन विद्यमान होती है चारों तरफ, तो ज्यादा लेंगे कम सांसों में आओगे। इसलिए गोरखनाथ जी की कुर्बानी भी है कि नहीं बोला भाई, पहला पैर में सबको जागे, दूसरे पैर में भोगी, तीसरे पैर में तस्कर जागे, चौथे पैर में योगी, योगी योगी चौथे पैर में जाग लेता है। फिर योगी का कर्म आगे बताया कि भाई किस कैसे ध्यान करे, एरे चम्मच भर खाना रे अवधु बम अंग लेटना, चम्मच भर खाना रे अवधु बम अंग लेटना, सो साधु जने सुराजी हो, सो साधु जने सुराजी, शरण मछंदर जति गोरख से बोले, चार चरण जति गोरख से बोले, अलख लख गा सोए पूरा जी हो, अलख लख गा सोए पूरा जी हो, गोरख से योगी सिद्ध नाथ पुकारे, गोरख से योगी सिद्ध नाथ पुकारे, मूल मत हारो मेरा प्यारा जी। अब गोरखनाथ जी क्या कहते हैं, भाई घना खाओगा तो प्रथम अंजल संयम रख है, योग युक्त सब सतगुरु बाख है, भाई घना खाओगा तो निद्रा आओगी, और फिर गोरखनाथ जी ने कहा निद्रा कह घर काल जजालम, नींद आओगी तो काल का स्वरूप है, ले कौन बिना मरे का काल क्या नींद है। तो गोरखनाथ जी कहते हैं काल आ गया, हाँ जी पता है कि, तो गोरखनाथ जी कहते हैं भाई चम्मच भर खाना रहे दो, इतना खाओ ध्यान लग जाए, शरीर की रक्षा हो जाए। और बम अंग लेटना, बम अंग लेटने से क्या होगा भाई, खान पीन का जो सिस्टम होता है कि अगर सूर्य सौर चल रहा है तो सोलिड खाओ, चंद्र सौर चल रहा है तो लिक्विड खाओ। तो बोला बम अंग लेट जाए, बाएं अंग लेट लेंगे तो आयुर्वेद का सिद्धांत है सूर्य सौर चालू हो जाए वो हजम हो जाएगा थोड़ा सा खा के, बाएं अंग लेटो। सो साधु जन सूरा जी, जो जीव का कंट्रोल करेगा फिर वो ब्रह्मचर्य लंगोटी का पक्का होगा। सो साधु जन
सूरा जी, और शरण मछंदर गोरख बोले अलख लिखेगा सो पूरा जी, जो ना देखे जाने योगे भगवान ने देखेगा वो है पूरा है, नहीं तो बाहर तो कि मैं मूर्तियां हम कितने की मटोई जाओ। बाबा गोरखनाथ ने वाणी कथी? हाँ जी, बाबा गोरखनाथ जी की वाणी है। अच्छा, हाँ जी, इसका अनुवाद उस टाइम से चलती आ रही, उस टाइम से चलती आ रही जी। ये होती थी कविता? हाँ जी, इनमें एक एक में गुड़ रहस्य होता था जी, इन्हें रोक के चला भाई।